मैं कह रहा गाड़ी चल भी रही है आवाज, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो पेट्रोल है ना, ये तो खून पीती है, खून पीने वाली कहाँ आवाज करती है। क्या मस्त गहरी नींद में सो रहे थे भैया, हैं ब्लड टेस्ट लेने। आप ना भैया गुड मॉर्निंग भैया, वही वाला कर दो भैया जो आप कह रहे थे ना, उसमें 2-3 टेस्ट और इंक्लूड हो जाएगा ना। यस सर ठीक है। आपका एचबीएल भाई किसी चीज़ से डर लगे ना लगे, ये जो है ना ये भाई बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन पेनफुल होता है। मैं अपना वो कुछ ना हर 3-4 महीने पे ना आपको ना ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए, इससे क्या होता है ना कि पता चलता रहता है क्या गड़बड़ है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है। इसका रिपोर्ट कब आएगा भैया? आज शाम में आ जाएगा। बहुत सही। तो बढ़िया से खोल के टाइट से लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं करोगे भैया? नहीं। पक्का ना? हाँ जी। मत करना ज़्यादा तेज। ये राजी हमारा सैंपल, ब्लड सैंपल। बहुत तेज़ दर्द हुआ भैया। हाँ भैया भी कह रहे क्या ऐसा लग रहा है मुझे कि आज तो गाड़ी साफ नहीं हुई है। ओए इधर आ, आजा इधर 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 इधर, ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ना, तो ऐसे प्यारी कर देंगे ना, ऊपर आ। हाँ ये देखो ये बहुत चंटा, इधर आ। देख रहे हो गुस्सा, देख रहे हो इसका? आपको लगता है कि ये शरीफ है, ये किसी भी एंगल से शरीफ नहीं है। दांत देख रहे हो कैसे दांत दिखा रही है? हाँ खोल के दांत दिखा रही है ऐसे। कैसे दुदुदी करेंगे फिर ऐसे करेंगे। गुस्सा आ रहा है इसका, गुस्सा आ रहा है इसका। भाई मैं उठ गया था तेरे चक्कर में ना, मैं फिर से सो गया। हाँ भाई ये क्या पहन क्या है? तेरी कॉपी कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं वो बोमकेश बख्शी टाइप का नहीं का, थोड़ा सा फनी कैरेक्टर लेके आऊँ मैं। थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। तो ये बेसिकली क्या है हम बाद में बताएंगे, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। भाई से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। एंड मैं तो अभी भाई का वेट करते करते ना मैं सो ही गया। हाँ सीरियसली यार, बैठना। हाँ चलते हैं, मैं बस चेंज कर लूँ थोड़ा। 5 मिनट में ना मैं इसके जैसा हो गया। मतलब ये कितने सुबह तैयार व्यार होके ना कितना टाइम लगाएगा भाई। मैं उठा और 5 मिनट में ऐसे, मैं सोता भी ऐसे ही हूँ ना, तैयार होके सामान भी ढो के आया भाई। हाँ बता, तब भी ऐसे ही लग रहा हूँ। द बॉयज द बॉयज। अभी चाय पी रहे हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं भाई। मैंने तो जूते उते, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? देखो देखो फुल सेट, फुल टू रेडी, फुल टू सेट। शाम तक ये कपड़े पहन के 4 मिनट लगाए फुल ऑन रेडी, और मुझे 1 घंटा लगा। अभी मेरे को 2-3 मीटिंग भी करनी इसी में करूंगा। एकदम फुल सेट विंटर कोट है ना। हाँ सीरियसली कुछ भी पहनो, अंदर क्या दिख रहा है किसी को क्या पहना है, ऊपर एक जैकेट ही डालना है बढ़िया वाली। हाँ कोई भी डाल ले यार, ये वैसे दुबई का माल है भाई। तो हम अभी जा रहे हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने भाई के साथ। थार चमक रही है। नॉर्मली ना गाड़ियों में क्या होता है, पानी का बॉटल, ये देखो कोक, पानी, शराब, ये क्या है भाई? किंगफिशर गोल्ड। ये सारी चीजें क्यों बढ़ी है? अच्छा वाटर तो छुपा के रखता है। हाँ, ये छुपा के रखा हुआ था। सही है करण भाई। थार ना पेट्रोल वाली में बिल्कुल आवाज नहीं है यार। मैं कह रहा गाड़ी चल भी रही है आवाज, फिर मैंने कहा अच्छा ये तो पेट्रोल है ना, ये तो खून पीती है, खून पीने वाली कहाँ आवाज करती है। नहीं ये मैंने ना मतलब लाइफ का सत्य बोला है। मुझे लगा तू कॉम्प्लीमेंट दे रहा है मेरे को। तो अभी ना सबसे पहले करण भाई के घर पे जा रहे हैं। एक्चुअली ना करण भाई का जो बर्गर बॉयज का जो हुडी है ना, वो मेरा साइज ना बड़ा आया था, भाई ने मुझे दिया था। तो अभी ना एक मेरे साइज का लेके आया भाई लुधियाना से स्पेशल। तो अभी अपन सबसे पहले वो लेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। हुडी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर्दियाँ चली जाएगी भाई। पता है क्या, अभी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म खून पी रही है ना। देखो ये खून पीती है और पेट्रोल डलवाती है, जेब से खून निकाल देती है ना पिछवाड़े से। पर्स पीछे रहता ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, यहाँ समझ रहे हो। अपने पसंद की 2 कलर उठा लिए, एक ये लाइट और ये किए पर्पल ही कहेंगे ना, प्लम। हाँ जो भी है। भाई तो अंग्रेज हो गया ना भाई। हाँ। ये कौन सा कलर है? ये ब्राउन। अच्छा ये ब्राउन ही है। मुझे लगा इसका भी कुछ अलग नाम होगा। तो भाई हमने उठा लिया। ये सब बहुत सही कपड़ा है यार, मतलब इतना अमेजिंग है ना। लास्ट टाइम इस भाई ने मुझे दिया था, मेरे को साइज बड़ा आ रहा था, उसके बाद से तो मिले ही नहीं ना अपन। हाँ उसके बाद नहीं मिल पाए। फिर मैंने कहा जब मिलेंगे सबसे पहले मैं यही लूंगा यही चाहिए अपने को, यही। और ये तो एक्सक्लूसिव है ये। हाँ ये तो एक्सक्लूसिव है भाई, ये सीधे लुधियाना से आ रहा है। तो दिल का लगो सीधा। भाई बोमकेश बख्शी नहीं लग रहा है, बोमकेश बख्शी नहीं लग रहा है ऐसे किसी क्राइम मास्टर गोगो टाइप से। थैंक यू सो मच सर। आएंगे कितनी तारीख है भाई? हम बाहर जा रहे हैं। मार्केट में ना सब कुछ मिल जाता है, ऑलमोस्ट सब कुछ। वहाँ पे आए थे हम एक कुछ हल्का फुल्का काम करने, और करण को कुछ काम था, इम्पोर्टेंट काम, तो हम बता नहीं सकते आपको, वीडियो में नहीं बता सकते, बाकी तो आप समझदार हो। करण बोलेगा पता नहीं किसके साथ आ गया मैं। हाँ यार तू अमीर लग रहा है ना, तेरे पीछे पड़े, मेरे पीछे नहीं पड़े। हाँ भाई ये चीज़ ना, मतलब ये जो बेगरी वाली चीज़ है ना यार, ये इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर काम नहीं कर सकता है। अदरवाइज अगर हिस्ट पुष्ट कोई भी है ना, तो उसको ना हेल्प मत करो यार, उसको बस मोटिवेट करो कि भैया आप काम कर लो, या तो बोल दो कि मेरा गाड़ी का शीशा साफ कर दो, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आपको ये पैसे दे दूंगा। लेकिन वो नहीं करेंगे। वो अगर ये बोल दोगे ना, कभी ट्राई करके देखना, अगर ये बोल दोगे ना तो वो नहीं करते, भाग जाते हैं। मैं देखे भाग गए शीशा साफ करने के लिए। मैं सामान वगैरह लेके अपन वापस आ गए। अब चलो ऊपर, क्योंकि आज अपने को ना शाम में ना देवेश भाई से मिलना है जो हमारे सीए हैं। मस्त दाल चावल एंड पराठे, मतलब मज़ा आ गया। प्लेट रख देते हैं तो यहीं पे पड़ा रहेगा। माँ अच्छा था खाना। भाई हुडी तो मेरे को हल्की सी बड़ी है, आई थिंक मेरे को ना स्मॉल चलेगा, हल्की सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। एक मिनट को, हाँ अभी पता चल रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लूज सा बैगी सा है। वैसे स्ट्रीट फैशन ऐसे ही बैगी सा होता है, बट कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, एंड मटेरियल बहुत अच्छा है। तो अभी करण से मैंने बोला ना कि इसका स्मॉल मेरे को दे, क्योंकि ये मीडियम है, मीडियम मेरे को बड़ा है। सही है यार, चलो अभी बाहर चलते हैं, एक जैकेट भी उठा लेते हैं, जस्ट इन केस अगर ठंड हुई तो ऊपर से एक जैकेट डाल देंगे, नहीं तो ठंड में आपको पता है ना क्या होता है। मेरे को सीरियसली ये लाइट कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज तो मैं ब्लू ब्लैक इसी में उलझ के रह गया। जॉगर्स एंड हुडी एकदम मस्त। चलो भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा फॉग। एक जैकेट तो मैंने यहाँ रखा है और एक पीछे रखा हुआ है, जस्ट इन केस। अरे देखो अब पता चल रहा है ना क्या गंदा फॉग है भाई, अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। सच्ची बताओ तो सीरियसली निकलने का ना कहीं मन नहीं करता है, दोपहर निकलो, दोपहर निकलो, शाम निकलो, आपको मन ही नहीं करता यार। और ये गाड़ी तो स्टीयरिंग ना एक्चुअली ये है ना मेटल टाइप का, मतलब मेटल नहीं कार्बन फाइबर है ना, तो ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है यार। तो जब तक गाड़ी गर्म नहीं होना तब तक तो भाई ऐसा लगता है ऐसे कहीं सिल्ली पे बैठा दिया, सिल्ली, बर्फ की सिल्ली। तो भाई मैंने आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली हम जा कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम जा रहे हैं किसी से मिलने, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो पहले सुबह की थी, फिर दोपहर की हुई, फिर शाम की हुई, फिर रात की हो गई। हाँ ऐसा ही हुआ क्योंकि भाई मैं तो आज दिन भर फ्री था, बट जिससे मिलना था वो एक्चुअली फ्री नहीं थे। तो अभी जा रहे हैं, पहले मिलते हैं, कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको बताएंगे। आप किसका मैसेज आया? अच्छा ठीक है, भाई का मैसेज आया ना, तो अभी जाते हैं उनके पास, पहले बात करते हैं, जो भी सिलसिलेवार बात होगी हमारी, हाँ बिजनेस से रिलेटेड वो बात करेंगे। फिर अगर कुछ फाइनलाइज होता है तो कुछ दिन में आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे। 3-4 दिन से दिल्ली के बाद ना आज गुड़गांव में रहे, घर पे रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहे, तो अपना जो भी काम वाम निपटाना था ना वो निपटा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा यार, ट्रैफिक में नहीं फंस के। 3-4 दिन से कंटिन्यूस डेली भाई साहब घुटने खुल गए थे, घुटने तो आपको दिख नहीं रहे होंगे बट खुल गए थे वो। आज फाइनली अपने बेलेनो में भी मॉडिफिकेशन वाला हल्का फुल्का सा काम हो गया। अभी मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं ना इंगेज था, सुबह से एकदम ऑक्यूपाइड था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी गाड़ी खोल के, नीचे गाड़ी खड़ी थी लेकिन मैं चाबी नहीं लेके आया, बट वो भी आपको दिखाऊंगा, 1-2 दिन में दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। मतलब बेलेनो को तो सीरियसली ऐसा है ना, स्टेप चाइल्ड जैसा नहीं होता कि भाई हाँ चलो चल रही है, मतलब उसमें सीट कवर मैट भी ना 4 साल बाद डले भाई गाड़ी पे ना। जब गाड़ी खरीदी थी उसके बाद सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे अगले साल दिए थे, उसके बाद तो इंश्योरेंस ही करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवाया भाई, उसको एकदम छोड़ दिया था, जैसी चल रही है ना वैसी चल रही है, बस सर्विस कराओ इंश्योरेंस कराओ और डीजल तो सॉरी पेट्रोल डालो। पान भी कह रहे भाई तू दिल्ली नहीं गया लेकिन ट्रैफिक तो तेरा पीछा नहीं छोड़ना। ये देख रहे हो अंडरपास पे जाम लगा पड़ा है, अब ये नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता भाई, रपा रप गाड़ी जाती रहती है, लेकिन अब जाम लगा पड़ा है क्योंकि हम निकले हैं रोड पे। हाँ भगवान जी कह रहे भैया ट्रैफिक तो तुम्हें मिलेगा ही, पता नहीं क्या सीन है यार। थोड़ा बहुत ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यार कुछ, अब उसके वजह से ना बॉटल नेक हो जाता है। अब यहाँ पे हाई मूविंग ट्रैफिक अचानक से आके बॉटल नेक, तो पूरा पीछे लाइन लग जाता है। कहा ना देखो किस चीज़ की वजह से लगा है, यहाँ पे खुदाई का काम प्रक्रिया पे है, ये वाला हाँ जो बोर्ड दिख रहा है ना वही। अब इसके कारण बॉटल नेक हो गया है, अब बॉटल नेक हो गया तो पतला सा रास्ता है, यहाँ इतना सारी गाड़ियाँ इसी में से घुसड़ रही हैं, बट आगे ठीक होगा भाई, इसी रास्ते से चलेंगे तो आगे जाके और फंसने के चांसेस हैं। कैसे मुंह बनाया इसने भाई, एक तो रास्ते में खड़ी मैंने हॉर्न बजाया तो पक ऐसे करके बोला, पता नहीं वो वीडियो में कैप्चर हुआ नहीं हुआ, बट मैं एक बार सीरियसली वो देखना चाहूँगा कि वो कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। ओ भाई क्या ही है यार, क्या ही बोला जाए। अरे यार इतनी भीड़ क्यों है यार भाई, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, नर पे नर चढ़ा हुआ है यहाँ। पता नहीं इस मार्केट के साथ क्या है, अचानक से यहाँ पे इतनी भीड़ होने लगी है ना कि पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती यार। तो फाइनली बहुत टाइम लग गया यार, मतलब टाइम क्या लगा, 2-3 राउंड मारना पड़ा। एक गाड़ी पार्क करके चलते सीधे अंदर। भाई आई थिंक वेट ही कर रहे होंगे, अपन ही आज लेट है यार। ये सोच रहे हैं कि ना यहाँ से अड्डा अपना चेंज कर लें, क्योंकि तो यहाँ पे पार्किंग भी प्लस सामने दारू दुकान है ना, तो उससे भी ना मतलब आप अगर यहाँ पे आओगे ना तो रात के टाइम पे आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ। तो माहौल ना थोड़ा गंदा सा हो गया है भाई, क्या अपने को क्या ही करना है यार। मीटिंग अपनी हो चुकी है कंप्लीट और हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स। हम यहाँ पे खा रहे हैं, ये बड़े इनके नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं हमें, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत तगड़ी बात है। वो बैलेंस जो बताया था ना आपको एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में, फ्यूचर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमसे, बहुत ज़्यादा। सुबह नहीं थी, अरे सुबह नहीं थी, सुबह इतनी नहीं थी। अरे वो भाई क्या देख रहे हो भाई, भाई ये तो अगर सिंह मार दिया ना तो भैया आ रही है, कितना चालाक है, बहुत चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक, या वेरी चालाक। देखो ना गाड़ी में खा के यहीं पे फेंक के चले गए, बाकी जन दारू की बोतलें भी पड़ी होंगी। ये देखो ना भाई, ये देखो ना कितना गंदा यार, बदतमीजी की ना हद होती है। ये देखो इस गाड़ी के नीचे करन से मैंने एक और हुडी ले ली, ये स्मॉल साइज है, हाँ बहुत ही क्यूट सा है यार। हाँ चलो भैया अभी यहाँ से निकलते सीधे चलते घर, जो हमें बात करना था वो हो गया, जो करना है वो और टाइम लगेगा उसमें। पता नहीं क्यों इस गाड़ी की लाइट तो मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी मतलब कि इस साइड जा रही है, मतलब इस साइड सीधा नहीं है, बट हाई बीम ऑन करते तो एकदम सीधा आता है। एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, वो तो दीवार पे ही चेक करना पड़ेगा। चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। आई नो अभी ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा मन है, बट ऑटो एक्सपो के बाद जो भी ट्रैवलिंग होगा ना वो ऑटो एक्सपो के बाद ही होगा और कंटिन्यूसली थोड़ा सा लंबा होगा। तो अभी जितना भी अपना पेंडिंग काम है ना वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स जो कि पेंडिंग थी, न्यू ईयर पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर नहीं छोड़ यार, ये सब क्या बताऊँ है, ये सब तो इंटरनल है ना, इंटरनल चीज़ें फॉर इंटरनल सर्कुलेशन ओनली